पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी जब आए, शीतल दूध से नाग देवता की पूजा की जाए। कहते हैं कि नाग पंचमी पावन है त्योहार, करती जो माताएं उनका हो जाता उद्धार। इस व्रत के करने से बांझ भी पुत्र पा जाती है, खुशहाली हर घर में ये व्रत करने से आती है। हो जाती है दूर पुत्र और पुत्रियों की बाधाएं। नाग पंचमी की मशहूर है कुछ पौराणिक कथाएं, उसी कथा का वर्णन हम यह करना चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं। किसी समय पर एक नगर में एक राजा का था राज, नीतिवान और धर्मात्मा थे, करे धर्म के काज। धर्म कार्यों में रानी भी साथ निभाती थी, और कुशलता से गृहस्थी भी अपनी चलाती थी। एक एक करके उन दोनों के पुत्र हो गए साथ, होने लगी महलों में जैसे खुशियों की बरसात। हर एक पुत्र के जन्म पे है राजा ने खुशी मनाई, दान धर्म में उनके कोई कमी नहीं आई। धीरे धीरे पुत्र बड़े होने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं। राजकुमारों पर यौवन जब आने लग गया है, उनके विवाह की राजा को होने लगी चिंता है। अपने पुरोहित को राजा ने महलों में बुलवाया, बोले के अब इनके ब्याह का समय निकट आया। आस पास के राज्यों में तुम ले संदेशा जाओ, उचित वधु है पंडित इनके लिए चुन कर लाओ। बोला पंडित होगा आपकी आज्ञा का पालन, लेकर के संदेश आपका जाता हूँ राजन। प्रस्थान फिर शीश झुका कर कर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं। कुछ ही दिनों में पंडित वापस लौट के आया है, चयन सात कन्याओं का वो कर ही लाया है। फिर तो शुभ घड़ियां भी वो नजदीक ही आई है, राजा के महलों में गूंज उठी शहनाई है। धूमधाम से निकली सातों पुत्रों की बारात, एक साथ ही राजा के घर बहुएं आई साथ।
निश्चिंत हो गया अपने फर्ज से, फिर तो राजा भी हो गई है बरसात, खुशी की कोई कमी ना थी। प्रजा के वासी भी मिल कर के खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सारी ही बहुएं राजा की सुंदर और सुशील, घर आंगन उनके आने से जैसे गया हो खिल। छह बहुएं तो बेटों की हो गई है गर्भवती, किंतु ना उम्मीद हुई थी सबसे छोटी। बड़ी जेठानियां तो उसकी सब करती थी आराम, छोटी बहू को करने पड़ते हैं अब सारे काम। किंतु छोटी बहू ने अब भी आस नहीं छोड़ी, खुशी मिली जो इनको एक दिन मिलेगी हमको भी। एक एक पुत्र सभी जेठानियों को हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा के घर में लग गया है खुशियों का अंबार, अपने बेटे को दे दिए हैं सारे ही अधिकार। किंतु छोटी बहू अभी कुछ रहने लगी निराश, सोच रही कि ना जाने कब होगी मुझको आस। बड़ी जेठनिया तो पुत्रों की माता बन गई है, किंतु गर्भ में मेरे अब तक कोई आस नहीं है। बड़ी जेठनिया देने लगी थी अब उसको ताने, किंतु आकर पति है उसका लगा उसे समझाने। हो जाएगा पुत्र हमें भी सब यही चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। किंतु धीरे धीरे भक्तों बीतता समय गया, कई वर्षों तक छोटी बहू को पुत्र न कोई हुआ। अब तो सभी जेठानियां उसको बांझ बुलाती है, गोद में अपने पुत्रों को ना देना चाहती है। सुनकर ताने छोटी बहू तो तंग पड़ी आई, अपने पति को आखिर उसने सारी बात बताई। बोला उसका पति के ईश्वर पे रखो विश्वास, हो जाए कब उसकी मेहर ना किसी को है एहसास। फल वो ही देता है कर्म हम करते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छोटी बहू ने हरि भजन में फिर तो लगन लगाई, मान गई है वो जो उसके पति ने बात बताई। उसी रात को छोटी बहू ने सपना देखा है, काला सर्प एक सामने आकर उसके बैठा है। छोटी बहू ने उसके सामने जोड़े दोनों हाथ, बोली नाग देवता भूल को करना मेरी माफ। बोले नाग देवता तेरी पूजा में नहीं कमी,
कर लेना तुम बेटी, व्रत कल है नाग पंचमी। इस व्रत के करने से काम सफल हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अगले दिन ही आया नाग पंचमी का त्योहार, छोटी बहू ने श्रद्धा भाव से व्रत रखा इस बार। अपने पति को उसने है सपने की बात बताई, बोला के शुभ काम फिर तो करना नहीं ढिलाई। शीतल दूध गाय का वो तो लेकर आया है, हाथ जोड़ कर नाग देवता को पिलाया है। अगले दिन ही छोटी बहू भी हो गई गर्भवती, नाग पंचमी व्रत से टल गई घड़ियां संकट की। खुशियों के दिन लौट के वापस ही आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महीने जो पूर्ण हुए तो पुत्र फूल सा पाया, नाग देवता के कृपा की हो गई थी छाया। इस व्रत के करने से भक्तों कुशल रहे संतान, पा जाती है पुत्र नारियां जो होनी संतान। सावन मास के शुक्ल पक्ष में ये पंचमी आए, नाग देवता की पूजा है इस दिन की जाए। नाग पंचमी का त्योहार तो बड़ा ही है पावन, श्रद्धा भाव से हर एक बार मनाता है गुलशन। बाधाए और विघ्न दूर सब हो ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।